कुछ और सोचते हैं। और मैं वो चाहता हूँ, अरे यार कवर में रानी आंटी की तरफ मैं देखता था, रानी आंटी हेल्प प्लीज, समबडी हेल्प, समबडी से नो। हाउ मेनी टाइम्स दैट्स हैपेंड? और होता हुआ क्या कि हम लोग ने यहाँ बैठ के तो सब लिख लिया एयर कंडीशन रूम में बैठ के, जब एग्जीक्यूट करने गया तो मुझे पता चला कि राकेश जी's conviction was the thing that kind of sold it, like because if he's convinced it'll work and convincing was not easy, so मुझे अक्सर बाहर के लोग ये बोलते हैं आप लोग इतने सारे राइटर्स बैठे कैसे कैसे बना लेते हो यार, झगड़ा नहीं हो जाता? कैसे होगा? तो एकदम से संजय जी अरे हाँ ये तो हो सकता है, वहाँ इसलिए बैठते हैं क्योंकि वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं, नजर नहीं आ रहा अब हम देख रहे हैं ट्रेन का सीक्वेंस है। और मैंने मतलब लड़ाई जो मैंने की थी 4 दिन के लिए वो ट्रेन का सीक्वेंस, मेरा ट्रेन का सीक्वेंस देखो इस तरह होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ये क्रिश 3 की मेकिंग है या क्रिश 4 की? Because we can really start right now. Idea already has been thought of. Baba has an idea. Has he made you here? No, about this. No, because you haven't met together. You haven't met. So actually, this could also be the first episode of the making of Krish 4. Yeah, but I cannot leave the secret out now. So you have a. I have something very very. सब लोग इस वक्त थोड़े से ऐसे हो गए 3 साल लगे क्रिश 4, अब क्या होगा इसको कितने साल नहीं एटलीस्ट 1.5 साल तो निकल गया कि क्रिश 4 बनाएंगे कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये चला था ना दूसरे सब्जेक्ट्स फिर डबल रोल वाली पिक्चर और ट्रिपल रोल वाली बाप बेटे की कहानी और वो हर 2 महीने के बाद पापा ये बोलते थे कि ये छोड़ देते हैं कुछ और सोचते हैं। और मैं वो चाहता अरे यार कवर में रानी आंटी की तरफ मैं देखता था, रानी आंटी हेल्प प्लीज, समबडी हेल्प, समबडी से नो। हाउ मेनी टाइम्स दैट्स हैपेंड? तो ये जो अप एंड डाउन इवेंट, इट वाज ऑलवेज डायरेक्टिंग अस टुवर्ड्स दिस फिल्म। द पाथ द जर्नी वाज टू कम टू दिस पॉइंट वेयर वी हैड दिस फिल्म। ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड के इतनी चीजें नहीं करनी लेकिन वी डिड नॉट गिव अप, वी डिड नॉट गिव अप, या इतना वक्त गुजारा है इन्हीं सीट्स पर कि हमारे जो नक्शे हैं ना वो एग्जैक्टली उस मार्क्स पे बन चुके हैं, मतलब वो नक्शे को देखकर हम मैं आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था। दिस टाइम वी वेंट टू खरबाड़ा आल्सो ना? No, not for this. Not even for Krish. No, we didn't go for Krish also. हम लोग गए थे खंडाला, कोई मिल गया, कोई मिल गया। ये बात नहीं है, नहीं नहीं, इसमें भी नहीं गया और उसमें भी नहीं गया। ये कैसे हुआ? खंडाला से आने के बाद, you all went there for I think 5 days. 5 days. And you all came back with like a full script. For कोई मिल गया, कोई मिल गया, full script. Why didn't we go to खंडाला? This time. कल चल. ये क्या हुआ था? कोई मिल गया का जो आइडिया था ना, वो बैंग ऑन था। तो क्या हुआ, व्हेन वी वेंट टू द राइट द स्क्रीन प्ले वो देयर टू खंडाला, फट थिंग्स जस्ट केम इन। यहाँ पे जो जो बेस था ना अपना क्रिश का, जो पहले जिस कहानी पे काम कर रहे थे, उसका बेस हमें करेक्ट नहीं था, इसलिए चीजें वाज नॉट फॉलोइंग करेक्टली। कहानी इसी पे है ना कि भाई हाउ इफ देयर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सुपर विलन, क्रिश विल डू हैव नथिंग टू फेस, एंड then again Krish has to fight not with the normal human beings, yeah, he has to fight with mutants, which Sanjay has come up with a new word for the mutants, our dialogue writer Manwar, genius. ye kaise socha aapne Manwar? nahi wo sabke decision mein hum log baithe yahi pe, yahi se nikla hua word, hum log baat kar rahe the ki kya kya shabd hai, to Robin Bhatt sahab ne basically sujhav inka tha कि इस तरह से जोड़ सकते हैं, डिस्कस ये हो रहा था कि इंसान और जानवर के बीच का कोई शब्द निकालें, को मिलाकर और जानवर को ज्वाइन करके, मैंने कहा ये कैसा लगेगा, हाँ मानवर, हाँ कमाल है,
सबको जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि इस फिल्म में अगर रोहित के डायलॉग्स, क्योंकि एक तो वो बच्चा भी है और बाप भी है, लेकिन जब मैं पूछता था कि ये डायलॉग रोहित बोल वो कैसे कैसे होगा, तो एकदम से संजय जी अरे हाँ ये तो हो सकता है। एज डायलॉग राइटर मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है, मैं यहाँ बैठ के स्क्रीन प्ले की सिटिंग में देखता हूँ कि क्या क्या बात हो रही है, क्या क्या थॉट है, डिस्कस हो रहा है, तो हमको मालूम है कि हम डायलॉग लिखने बैठते हैं तो इन चीजों पे नहीं जाना है, इस पे डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, ये बात कर चुके हैं, तो कुछ नया तो उसमें एक नई बात आ जाती है अक्सर। मजा आता था 11:30-11 बजे मिलते थे, 12:30-1 बजे तक, 1.5-2 साल हम लोग रेगुलर बैठे। कभी कभी द बेस्ट पार्ट यूज टू बी साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोला, एक घंटे के लिए सब ऐसे, कोई इसको देख रहा है, कोई इसको देख रहा है, ये सोच रहा है, पापा चेक कर रहे थे, सोच रहा है कि कहीं और, ये सोच रहा है कि कहीं और। हमारे एंकर हमेशा राकेश जी रहे कि हम लोग कभी भी विजुअल इफेक्ट्स या एक्शन सीक्वेंस में उसमें भटक देते तो वो ऐसा वापस ले आते थे, मुझे कहानी बना देते थे। सब देख सकते हैं, और शक्ल नजर नहीं आई, अब हम देख रहे हैं। मुझे याद है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट मेकिंग दिस फिल्म इज दैट ही हैड टू बी अ सुपर हीरो फॉर इंडिया, हाउ डू यू शूट शोइंग दैट इट इज इंडिया, दैट वाज आवर बिगेस्ट चैलेंज। कभी सोच रहे थे साउथ अफ्रीका चले जाएंगे क्लाइमैक्स के लिए, वहाँ बना लेंगे इंडिया को बुला के, कभी शूटिंग आसान हो क्योंकि बॉम्बे में तो शूटिंग कर नहीं सकते। और होता हुआ क्या कि हम लोग ने यहाँ बैठ के तो सब लिख लिया एयर कंडीशन रूम में बैठ के, जब एग्जीक्यूट करने गया। मुझे अक्सर बाहर के लोग ये पूछते हैं आप लोग इतने सारे राइटर्स बैठ के कैसे कैसे बना लेते हो यार, झगड़ा नहीं हो जाता? पर सरप्राइजिंग एक बार में झगड़ा, झगड़ा मतलब बहस हो सकती है कि एक चीज पे, दैट इज फॉर गुड रीजन ओनली। अच्छी बात क्या है कि हम एक दूसरे को सब कुछ समझते हैं, हम लोग एक एक, एक टीम वर्क है, तालमेल है, तालमेल। मेरा प्लान तो बहुत सिंपल था, अगर मेरा कोई सजेशन होता तो मैं या तो हनी आंटी या इरफान या आकाश किसी ना किसी को अपने टीम में मैं ले लेता। हनी आंटी मैं ये बोलने वाला हूँ, यू प्लीज यू साइड मी, ओके जस्ट गिव मी लिटिल नच और फिर देखते हैं इफ इफ डैड रिएक्ट्स टू इट और नॉट। व्हाट भाई तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा था कि आप लोगों के साथ तीन फिल्म से साथ में हो ना, सो मतलब यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग टू योर वेवलेंथ इन अ सेंस एंड काइंड ऑफ ब्रिंगिंग इन सर्टेन न्यू एनर्जी, बट बिकॉज यू ऑल्सो सो मतलब आप लोग इतना घुल मिल गए थे तो इट वॉज नॉट लाइक ईगो की बात ही नहीं आ रही थी कि मतलब आप जैसे सीनियर राइटर्स में कोई ज्यादा बहस नहीं होती, एक घंटे का साइलेंस होता है कभी कभी, बट इट्स मोस्ट टीडियस जॉब टू मेक अ स्क्रीन प्ले एंड इट्स मोर टीडियस देन शूटिंग ऑल्सो। शूटिंग तो मैंने क्या 6 महीने में कंप्लीट कर ली। फाइनली आई थिंक वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट ईच अदर फॉर मिशन अकम्प्लिश्ड एज फार एज मेकिंग क्रिश 3 इज कंसर्न्ड। आई थिंक फॉर सेल्फ पैट ऑन द बैक, सैटिस्फैक्शन एट यू, बट दैट नर्वसनेस ऑफ 4 एंड 5 हैज बीन मेंशनड, आई थिंक इज कंसर्न्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। 4 एंड 5 का टेंशन हो गया।